Simba. हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आज का जो प्लान सडनली बना है, मैं सोने जा रहा था बेडरूम में और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, सुफियान का, कि भाई अर्जेंट जाना है एक जगह पे, तो फिर कुछ सोचना समझना तो नहीं है, तो अभी मैं वहाँ जाके आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जाएंगे, जो कि मैंने बैग रेडी कर लिया हो, बहुत जल्दी जल्दी मैंने रेडी किया है, दोनों बैग रेडी हो गए और मैं अभी रेडी होने जाऊंगा और फिर उसके बाद निकलेंगे, बाहर निकल के देखते हैं। बहुत अच्छी जगह जाने वाले, जहाँ पे भी जाने वाले, तो दुआ करो अच्छे से पहुँच जाओ, ठीक है? लव यू, प्यार दो बहुत सारा। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि जिदान सो रहा है, जिदान को पता नहीं है मैं जा रहा हूँ, जिदान को पता चलेगा तो जिदान बहुत रोएगा। मेरा बेटा सो रहा है और मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा वापस से बहुत जल्दी, बताना नहीं चाहता। जिदान सो रहा है, कितना प्यार से, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार। जिदान मम्मा मम्मा मम्मा, उठ जाता जिदान, देख ले जिदान, कहाँ है डैडी का बेटा, किधर है डैडी का बेटा, किधर है डैडी का बेटा, ढूंढ रहा है मेरे को नींद में। जिदान कहाँ है डैडी का बेटा, आवाज़ सुन लिया उसने मेरी, कहाँ है डैडी का बेटा। मेरा बेटा सो रहा है, नींद में से उठ गया बेचारा, और अभी मैं जाऊँगा जिदान को, जिदान देख रहा है नींद में से उठ के, अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, फिर मैं रेडी हो गया और मैंने बैग भी पैक कर लिया है, और ठीक है चलते हैं, और फिर जाके फिर देखते हैं वापस भी आना है, ठीक है? मिला बेटा। और ओपरे देख लिया आपने, देख लिए, चलो चलते हैं फिर आगे की वीडियो देखेंगे। सो अल्लाह का शुक्र है मैं रेडी हो चुका और मेरा बैग भी रेडी हो चुका है, टेंटनिंग, और ये बैग भी रेडी हो चुका है, और अभी हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाएंगे, पता चलेगा ऐसे ऐसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलो चलते हैं, थैंक यू सो मच, और फिर यहाँ से निकलते हैं पहले, ठीक है? ओके, दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। बहुत मुश्किल से आगे हो लिफ्ट में, अभी हम लोग पहले बाइक पे यहाँ से जाएंगे मेरे फ्रेंड के पास, सुफियान के पास, जो मेरे को सडनली कॉल करके बोला है कि जय चलना है, और अचानक प्लान वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर हम लोग निकले हैं, मीन्स मैं निकला हूँ, वो तो अपने लोकेशन पे है, यहाँ से पहले मैं उसके पास जाऊँगा, फिर उसके साथ जो हम लोग जहाँ पे भी जाने वाले हैं, फिर दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है चलते हैं। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, और जो सडनली जिसका कॉल आया था वो है ये सुफियान भाई अपने, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, आगे का ब्लॉग आगे देखेंगे। एयरपोर्ट फाइनली पहुँच गए हम लोग, और कहाँ जाने वाले भाई अभी नहीं पता चलेगा किसी को, वहाँ जाके पता ही, हम लोग रास्ता नहीं है यहाँ से, यहाँ से रास्ता नहीं, चलो पीछे घुमा, तो फिर अभी हम लोग वहाँ जाएंगे या फिर देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो मैं ये वॉइस म्यूट करूँगा जो भाई ने बोला है, कैसे है ना, सबको सरप्राइज देना था, तो दुआ करो कि अच्छे से पहुँच जाए हम लोग। लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, तो काफ़ी टाइम बाद सुफियान भाई और मैं मिले हैं, और सुफियान भाई को कितना टाइम हो गया मिल के, हो गया दो ढाई साल हो गए, दो ढाई साल हो गया, और सडनली भाई का मैसेज आया कि भाई चलना है, ठीक है भाई चलना है, चलना है, और प्लान बना और फिर हो गया सब कुछ, और तो चलेंगे बस, व्यू बॉम्ब व्यू, आगे की वीडियो दिखाएंगे आगे। फाइनली पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट, और हम लोग यहाँ से अभी जाएंगे बस से फिर देखें चलते हैं। ओ वाओ, अमेजिंग व्यू,
फर्स्ट वीडियो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा है। क्या बोल रहे सुफियान भाई, कैसे लगा के? अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीजें क्लियर हो गई है, बस बचा है हम लोग का लगेज। हम लोग का बैग है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अभी वो क्या पता किधर में लगे। भूल ही गए थे वो तो। सुफियान भाई किधर है, तुमको दिख रहा है क्या कुछ? अरे ये क्या याला बैग शायद अपना है, ये वाला, ये जिम बैग उठा लो, ये उठाओ। हाँ ये अपना ही है, सेकेंड वन। वो देखो पीछे साइड आ रहा तुम्हारा बैग। एक बैग मिल गया हम लोग का, और दूसरा बैग देखेंगे अभी। सुफियान भाई ढूंढ रहे हैं भाई, मिला क्या बाकी? बहुत मजा आया, जाके पहले फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद सो गाइस, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, ये टिकट आप सबको अंदाजा हो गया होगा ठंडी कितनी है यहाँ पे, बाप रे। चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है। सच में मैं फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा ठंडी में हूँ अभी, बहुत बोले ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ अलग चीज़ें ट्राई करने मिल रही है। क्या बोल रहे हो चाचा? सवारी नहीं बैठा रही है यहाँ, 200 में इतनी मुश्किल से माने थे पहले से चाचा। 80 नहीं बच रहे, 28 किलोमीटर गाड़ी चला, 200 भी तुमने माया बोले, 207 सवार थी, वो मना कर दिया सवारी। ओ चाचा चलो चलो। हम लोग पहुंच गए हैं अजमेर। हम लोग अब तक ये सरप्राइज रखे थे और हम लोग ने अभी एक्सपोज किया है। हम लोग पहुंच गए अजमेर और बहुत सुकून लग रहा है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। एक तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी, बहुत मज़ा आया यहाँ पे पहुँच के, और अभी आगे जाके देखेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। हम लोग अजमेर शरीफ दरगाह पहुंच चुके हैं गरीब नवाज के पास, और ये बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी माशाल्लाह पब्लिक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने ज़ियारत कर ली है, और ये है गेट दरगाह का, और हम लोग अभी जा रहे हैं रूम पे, और फिर उसके बाद यहाँ से घर पे, देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, सुकून लगा, सुकून लग रहा था, और अभी भी सुकून ही लगे। तो फिर चलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, तो चलते हैं फिर उसके बाद आगे देखेंगे ट्रेन में, फिर वहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। ओके गाइस, लव यू। और जिस किसी ने भी वीडियो को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाओ जल्दी जाके करो, क्या देख रहे हो, और बहुत सारे प्यार। ओके लव यू गाइस। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आई होप अच्छी लगे वो, ये है हिरन। आई होप आप लोगों को दिख रही होगी, बहुत अच्छा लगा देख के, काफ़ी टाइम बाद हिरन देखी है मेरे को, बहुत टाइम हो गया। अभी तो बहुत घूमना बाकी है अभी, चलो चलते। सो फाइनली हम लोग अजमेर स्टेशन पे पहुंचे हैं, और ये मेरा ग्रुप है जिसके साथ हम लोग साथ में मीन्स घूमे, और ये हमारे भाई लोग हैं। अरे आओ ना सही से, इधर ही है, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मुंबई मेरी जान। चलो हम लोग पहुँच गए हैं दादर, और हमारे साथ जज्जी माविन करके अंदर आएगा कैमरे में, देख भाई भाई ये भी हैं अपने साथ नदीम भाई, तो हाँ बाप जी बोलते कांदा बाप जी, लोगे तेरी माँ की पान वाले इधर।
इसका इंट्रो करा कि चेंबू स्टेशन पे पान की दुकान है भाई की, पान की दुकान है चेंबू स्टेशन पे। हम लोग मिले अभी सद्दाम पान वाला, और वीडियो आई होप बहुत अच्छी बनी है, बहुत इंजॉय किया हम लोग ने। और हम लोग अभी दादर स्टेशन पे है, और अभी हम लोग घर जाएंगे और बहुत सारा आराम करेंगे। तो चलो चलते हैं, दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़।